बावल नगर से मुश्तरका एपका की तरफ से एहतजाज का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है, जिसमें तमाम महकमा जात एपका से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ नसीम अख्तर। हमारी स्ट्राइक की वजह ये है कि 8-10 साल से हम इधर जॉब कर रहे हैं क्लास 4 के अहदे में। अब हमारी प्रमोशन हो रही है, बिल्कुल शफाफ और मेरिट पे हो रही है। अब इन्होंने रीटेस्ट वाला एक नया लेटर भेज दिया है कि रीटेस्ट हो। इस रीटेस्ट का मतलब तो ये हुआ कि जिन्होंने टेस्ट किया वो लोग ईमानदार नहीं है। क्या उन्होंने अच्छे तरीके से ये काम नहीं किया? रीटेस्ट लेना मतलब हमारे ऑफिसरों को बदनाम करना है। आपके ऑर्डर जारी हो रही है, आप वहाँ पे तैनात हुई हैं, जहाँ पे हाजिरी हो रही है वहाँ पे आपकी? जी, हमारा 13 तारीख को टेस्ट हुआ है, 13, 12 को 30 को हमें ऑर्डर मिली है। हमारी उधर ज्वाइनिंग हो गई है, पीछे वाली हमारी सैलरी बंद हो गई है, नई सैलरी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो मुझे ये बताएं कि ये री टेस्ट वाला जो लेटर भेजा है, हमारी पीछे वाली सैलरी बंद हो गई है, हम इस महंगाई में अपने बच्चों को कैसे पालें? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 10 साल के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं अपने घर गई हूँ, मेरे बच्चे अपने घर गए हैं। अब ये रीटेस्ट रखने का मतलब है कि हमें वापस बुलाया जाए। तो ये आपसे पहले भी कोई सुना है जारी प्रतिष्ठाना है कि वो भी इन्हीं ऑफिसर्स ने किया? हाँ जी, उनसे पहले 17A वालों के टेस्ट हुए हैं। ये मेरी साथी हैं, मेरी बहनें हैं, इनके 17A के तहत ऑर्डर होंगे, बिल्कुल शफाफ और मेरिट पे ऑर्डर होंगे। और उन्हीं अथॉरिटी ने ये आपके ऑर्डर जारी किए? उन्हीं अथॉरिटी ने किए, जिन्होंने इनके किए उन्होंने हमारे किए, वो इंतहाई शरीफ ईमानदार और मुखलिस ऑफिसर है। तो आप सिलसिले में क्या 13 साल बाद उन्होंने ये टेस्ट क्यों ये टेस्ट सिर्फ ये सियासी मुदाखलत की वजह से हो रही है। जब दफ्तरों में सियासी लोग इंटर हो जाते हैं ना, तो उन दफातर का बेड़ा गर्क होकर रह जाता है। ऑफिसरों को वो इंतहाई बुरे तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। अब री टेस्ट रखने वाला मकसद भी उनको ब्लैकमेल करना है।